आज मैं आई हूँ यहाँ पे, फूड फेस्टिवल लगा हुआ है तो मैं वहाँ पर आई हूँ। लेकिन अभी मैं सिटी हॉल पे उतरी हूँ, और लेकिन अभी मैं सिटी हॉल से पीछे की तरफ देखा तो यहाँ पर भी कोई फंक्शन वगैरह कुछ हो रहा है, कुछ फेस्टिवल लगा हुआ है। तो पहले मैं यहाँ पर जाती हूँ, फिर उसके बाद हम जाते हैं जो हमारा फूड फेस्टिवल लगा हुआ है वहाँ पर। तो आइए चलते हैं। पीछे की तरफ जाएंगे जहाँ पर फूड फेस्टिवल है। यहाँ पर पता नहीं कौन सा किस चीज़ का फेस्टिवल हो रहा है, क्या हो रहा है। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं। आई थिंक यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। सिटी हॉल से बिल्कुल ही पीछे ये पार्क है, तो ये यहाँ पर हो रहा है।
उसके बाद आके ये खाते हैं बबल गम कोन। बहुत शदीद वाली गर्मी हो रही है आज, ऐसा लग रहा है 40-45 टेम्परेचर है। अच्छा खासा रास्ता है यहाँ पर भी, रात में ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि थोड़ी सी गर्मी कम होगी और लाइटिंग वगैरह भी अच्छी होती है, तो रात में मेरा खासा ज़्यादा मुझे प्रेफर मैं ज़्यादा करती हूँ कि शाम में या रात में ही हो। बंद है, इसके बाद क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे क्योंकि मेन जो मतलब जहाँ जाने के लिए मैं आई थी फूड स्ट्रीट, वो दूसरी साइड पे सिटी हॉल के। गर्मी देखिए कितनी है, सिर्फ स्टेशन पे ही थोड़ा सा अच्छा हो रही है, तो इस वजह से फिर भी यहाँ पर बेहतर लग रहा है चलना, लेकिन खुले रोड पे तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है चलना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अभी मैं सिटी हॉल से सीधा स्ट्रेट जाऊंगी, तो वहाँ पे जो फूड फेस्टिवल लगा हुआ है वो देखूंगी, फिर मुझे इन दोनों में से जो ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब यहाँ पे तो मैंने देख लिया कि क्या क्या खाते थे, अगर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो फिर मैं वहीं खा लूँगी, वरना फिर मैं यहाँ पर आकर कुछ देखती हूँ कुछ खाने को मिल जाए मुझे। बिल्कुल सामने यहाँ पे मुझे लगा हुआ दिख रहे हैं कुछ स्टॉल्स वगैरह, और आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की म्यूज़िक की आवाज़ भी आ रही है, शायद आप लोग को भी पता ना चल रहा हो, तो बस आगे जा रही हूँ मैं, फिर देखते हैं कि क्या किस टाइप का स्टॉल्स हैं, किस टाइप का फेस्टिवल है वाला।
आग जल रही थी शायद यहाँ पे। जी आग जल रही थी यहाँ पे, ये इसमें आग वाग लग गई थी, ये बहुत बुरी तरह से जल चुकी थी। तो उसके बाद इन्होंने तोड़ दी है और शायद रिकन्स्ट्रक्शन दोबारा होगी यहाँ पे। यहाँ अब आप लोग को भी आस्ते आस्ते आवाज़ आने लग गई होगी स्टॉल्स की। यहाँ पे न जाने का टिकट था जो मैंने पहले ही ऑनलाइन ले लिया था। ऑब्वियसली नहीं है तो है ये, तो मैं वापसी में भी खा सकती हूँ।
कुछ खाने के बाद तो मैं पहले देखती हूँ वहाँ पर होटल्स तो बना हुआ है, लेकिन इसके पीछे भी मुझे लग रहा था एक रेस्टोरेंट है, तो पहले मैं वहाँ पर जाती हूँ। उसके बाद हम पहले वाले फेस्टिवल पर चलेंगे और वहाँ से फिर कोई ना कोई किसी ना किसी स्टॉल से इम्पनाडोज या कुछ खाएंगे। अगर मैं वहाँ से आ गई हूँ, मुझे टिम हॉर्टन्स से भी कुछ समझ में नहीं आया और मैं वापस सिटी हॉल की तरफ जा रही हूँ। फिर देखती हूँ कहाँ पे मैं क्या खाऊँ, जाके सोच रही हूँ फर्स्ट वाला जो फेस्टिवल डे थी वहाँ पे जाके खा लूँ। देखिए आज का जो फेस्टिवल है उन्होंने मुझे ये पेपर भी दिया था, एफ्रो कैरेबियन फूड फेस्टिवल है ये, और ये आज और कल दोनों लगा हुआ है। लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी थी इसके पास से मैं इसकी तरफ से निकलती भी आ रही हूँ। ये पुलिस वाले खड़े हुए उससे बात बात कर रहे हैं। छाँव में थी और अभी कितनी धूप आ चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है भाई मुझे तो। चलिए फिलहाल उस तरफ चल के देखते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। मुझसे बिल्कुल भी गर्मी बरसात करने की आदत नहीं है, खैर अभी सुबह नहीं होगा मतलब वाइट नहीं होगा, क्रॉसिंग करना होगा तो फिर मैं इसको क्रॉस करूँगी और उस साइड पे जाऊँगी। आयान हो गया है, अब हम रोड क्रॉस करते हैं। मैं सिटी हॉल स्टेशन पे आ गई हूँ वापस। अब मैं वापसी वाले फेस्टिवल में आ गई हूँ। ये दो जगह लगा हुआ था ना फूड फेस्टिवल, तो मैं फर्स्ट वाले में आ गई हूँ जो बिल्कुल सिटी हॉल के बराबर में, और मैं यहाँ से कोई फ्रेंड्स वगैरह लेती हूँ, खाती हूँ, उसके बाद फिर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाके प्रॉपर खाना खाऊंगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है खाने के लिए आज मेरे, मतलब ढूंढती हूँ मैं अपने खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़। ये देखिए साइकिल्स में भी
भी हो रही थी उधर, थोड़ी देर में लाइन लगी हुई थी इनकी गाड़ी उसमें, थोड़ी देर में यहाँ पे वेट करती हूँ, उसके बाद मैं जाती यहाँ पे थोड़ी छाँव है, यहाँ पे खड़ी होती हूँ मैं थोड़ी देर। स्ट्रेक बन रही है खाना खाने, देखती हूँ यहाँ पे मेन्यू क्या है, कुछ मेरे हिसाब से लगा तो फिर मैं यहाँ पे खाऊंगी जाके। मैंने बोला इतनी गर्मी है बाहर तो हम मॉल में ही आ जाते हैं, मॉल करीब ही था, फूड कोर्ट में आई हूँ और मैं आप ले रही हूँ यहाँ से वेजिटेरियन वाला सेकेंड वन, और अब मैं लाइन में वेट कर रही हूँ बस अपने आने का, बारी मेरा बन जाएगा उसके बाद फिर मैं लेके जाऊँगी और आज मैं उस तरफ बैठ के खाऊँगी थोड़ी सी ठंडा। ये मेरा पिज़्ज़ा बन रहा है, जिस वाला लिया है ज़्यादा बड़ा नहीं लिया था क्योंकि बाहर मैं चीज़ें खाने थी और 12 इंच वाला मैं खा नहीं सकती के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता मेरे लिए। ये मेरा पिज़्ज़ा बन रहा है, अभी इसमें चाहिए सॉस, टमाटो सॉस,
जाएगा ये बस। और अब थोड़ी सी और चीज़ आ रही है इसमें, इसके बाद अब जाएगा ये ओवन। बन चुका है तकरीबन, और ये मेरा पैकेट है, मेरा पिज़्ज़ा आएगा। मैं खा रही हूँ रेड टोमेटोस से, रेड टोमेटोस पिज़्ज़ा। और ये देखिए ऑलमोस्ट मेरा पिज़्ज़ा रेडी है, ये मेरा बॉक्स है। इन्होंने यहाँ पर सब सॉसेज रखे हुए, किसी को एक्स्ट्रा डाल नहीं हो। और ये मेरा पिज़्ज़ा आ गया है बाहर गर्मा गर्म। और इसकी कटिंग होगी, फिर हम इसको अपनी टेबल पर लेके चलते हैं और फिर खाते हैं, फिर देखते हैं क्या कैसा है। इसके ऊपर से पार्मेज़ान भी डाल दिया एक्स्ट्रा। आगे ही मेरी पूरी मील, और अब मैं पिज़्ज़ा देखती हूँ खोल के। बहुत मज़े का लग रहा है, बहुत गरम गरम भी है, तो खाते हैं इसको। बहुत मज़े का है, बिल्कुल फ्रेंड फ्रीड है। अब टेस्ट करते हैं पिज़्ज़ा कैसा है। बहुत है गरम गरम बहुत है बस, लेकिन ड्रिंक्स सब बहुत मज़े का लग रहा है। वैसे पर्सनली मुझे वेजिटेरियन पिज़्ज़ा ही है, और मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि उसमें टोमेटो सॉस आता है, मुझे टोमेटो सॉस भी बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जल्दी जल्दी इसको फिनिश करती हूँ, फिर आगे रखती हूँ। पूरा पिज़्ज़ा फिनिश हो गया मेरा, और मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ। और ये देखिए व्यू कितना अच्छा है, बिल्कुल प्लांट्स के बराबर में। और अब मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूँ। सामने से देखिए पूरा रूफ टॉप ग्लास का है, तो डाउनटाउन दिख रहा है। अब मैं आई हूँ चॉकोलैंड, यहाँ पे आइसक्रीम खाने, और मैंने दिया था चॉकोलावो आइसक्रीम का ऑर्डर, तो ये है वो। अब आ गई है, अब मैं इसको ट्राई करूँगी। ये देखिए वो काफ़ी बड़ा ग्लास है, काफ़ी हैवी है। अब देखती हूँ मैं कितनी ख़त्म कर पाती हूँ उसे। निकालने में बड़ा मुश्किल हो रही है, लग गया। और जिस हिसाब से गर्मी है उसके लिए तो बहुत ही रिफ्रेशिंग है। मैं इसको फिनिश करती हूँ, फिर हम इसके बाद बंद करेंगे। खैर अब मैंने आइसक्रीम खा ली है, और अब मैं वापस सिटी हॉल स्टेशन पे आ गई हूँ, और अब मैं घर जाऊँगी। तो
आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आपको शो होते रहें। थैंक यू, बाय।